आज से सारे बच्चे एक काम करेंगे। पहला कि अपना एक रूटीन बनाओ, मतलब अगर आप सुबह उठते हो, मैं टाइम टेबल के बारे में छोटी सी बात कह दूं, सुबह उठते हो ठीक है, कुछ भी मत करो, 10 बज जाता है आराम से, कुछ भी मत करो, 12 भी बज जाते हैं आपके भी और टाइम के भी, कुछ भी मत करो, थोड़ा सा 12 बजते ही लगता है भूख लगती है, मम्मी वैसे तो सुबह एक बार नाश्ता हो ही जाता है, 12 बजते भूख लगती है, जब कोई काम नहीं कर रहा हो तो बहुत कम भूख लगती है, जब काम कुछ करने बोले मम्मी बोली ये कर दे, हो गया टाइम 12 बज गया, भूख लगी, भूख लगने के बाद अगर पढ़ने के लिए बोल दे तो जबरदस्त भूख लग जाती तुरंत तुरंत, यस जैसे 12 बजता है वैसे ही देखते देखते 3 बज जाती, फिर मन करता थोड़ा सो जाए तो 5 बज जाती है, यस 5 बजते ही मन में एक डर सा पैदा हो जाता है कि आज का दिन तो निकल गया बर्बाद हो गया, होता है ना, और जैसे 5 बजता है उसको थोड़ा मन करता है शाम को 5 बजे थोड़ा सा टहल लें तो बॉडी अच्छा रहेगा, थोड़ा सा टहल ले आओ जैसे दोस्तों से मिल लें, हो गया, फिर अचानक कभी मोबाइल की याद आ गई तो फिर वो पूरा का पूरा उसी में निकल जाता है, टाइमिंग बर्बाद हो गया पूरा टाइम, जैसे पूरा टाइम बर्बाद हुआ उसके बाद रात होता है ना जैसे खाने का टाइम होता है ना, बहुत जोरों से गुस्सा आता है, खाना भी खाते हो और गुस्सा भी आता है, अब मैं थोड़ा सा काम करेंगे, खाना खाने पर पढ़ाई करेंगे, जैसे खाना खाते हो चेयर से जैसे उठते हो मन करता नहीं आज नहीं कल, पूरा दिन खराब हो जाता है, समझ में आ जाता है कि आज मैंने दिन बर्बाद किया, अपना भविष्य को काट खाया, लगता है ऐसा, ऐसा ही होता है रोज होता है, तो इसके लिए एक रूटीन बनाना पड़ता है, टाइम टेबल जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक, सुबह अब तुम्हारा स्कूल का जाने का टाइम, स्कूल कितने बजे तुम लोग जानो, मॉर्निंग वाले मॉर्निंग के लिए हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ, एक रूटीन बनाओ, और आफ्टरनून वाले आफ्टरनून सेकंड वाला, ठीक है, तो दोनों के टाइम टेबल ऐसे होना चाहिए कि डेली आप ऐसा सेट करो अपने आप को कि आप कम से कम 4 घंटे बैठ के पढ़ सको, यस, और 4 घंटे इजिली निकाला जा सकता है, बताऊं कैसे, अगर आप मान लेते हैं दो टाइमिंग मान लेते हैं, सुबह उठते हैं ट्यूशन जाते हैं या स्कूल जाते हैं, दोपहर को आते हैं स्कूल जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं, सब मिलाकर के मैं मान लेता हूं कि शाम को 6 बजे से पहले आपके पास कोई टाइम नहीं है, ठीक है, स्कूल जाना एक तरह का एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, वहां पे दोस्तों से मिलते हो सारे, जितनी फ्रेश होना है उतना होना, ऊपर से आप टहलने के लिए स्पेशली मत निकलो शाम को, क्योंकि 11th में आ गया हो तो 2 साल आपको तपस्या करना पड़ेगा, ना मामा ना फूफा ना भैया ना मामा ना मामी ना जो भी है, जो भी रिश्तेदार सारे इस टाइम, और सारे जो इवेंट्स होते हैं इन सब के बारे में बता दूं, अगर आपको सचमुच में सक्सेस होना है तो जिन लोग जो लोग सक्सेस हैं आज के डेट में उन लोगों ने अपने समय को समझा और समय का सदुपयोग किया, समय का उपयोग, एक बात मान के चलिए कि आपने एक क्वेश्चन को या एक टॉपिक को कभी नहीं देखा ना सुना, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो उसमें मार्क्स लेके आ गया, इसका मतलब है कि उसने उस टॉपिक को कभी ना कभी पढ़ा होगा, इसका मतलब है उसने समय निकाला होगा, तो सबसे बड़ा पहलवान होता है समय, समय बड़ा पहलवान, यस, तो समय दे सको, हर एक टॉपिक को समय देना है, समय किसको देना है, स्कूल को समय देना है पहला, वो तो जबरदस्ती मिल जाता है, नहीं भी क्या होगा तो भी स्कूल वाले बुला बुला के आपको पढ़ाएंगे, सेकंड समय देना है आपको ट्यूशन, क्योंकि इसमें आपको ट्यूशन जो है आपको बहुत ग्रो करता है, आपको पूरी तरह से परफेक्शन देता है, जो बच्चे वीडियो से कर रहे हैं जो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं उनके लिए भी कहूंगा कि वो अपने एक सेट टाइम रखें, उस टाइम पे आप वो वीडियोस देखें और उसके अलावा इधर उधर की कुछ ना करें, अपनी एक टीचर तय कर लो जो आपको अच्छा लगता हो और उसके क्लासेस को आप रेगुलरली करो, वो टीचर आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड ये टाइमिंग की बात कर रहा था ना मैं, तो समय आपको किसको किसको मूल रूप से देना होगा, एक ट्यूशन या जैसे भी कह रहे हैं, और दूसरा आपको देना है स्कूल, ये तो दे दिए, थर्ड आपको पुस्तक भी पढ़ना है, जो हम पढ़ाते हैं वो एक गाइडलाइन होता है, गाइड होता है कि ऐसा 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 होता है, यस, पूरी जानकारी आपको लेना है, जैसे मैंने अगर आपको कहा कि भैया खाना ऐसे ऐसे बनाते हैं तो बना के आप जब तक नहीं देखोगे घर में तब तक उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं आएगा, ओके, आप विशेषता नहीं आएगी, आप स्पेशलिस्ट नहीं बनेंगे, ओके, तो क्या करना है आपको समय निकालना है 4 घंटा पढ़ाई में घर में, कम से कम 4 घंटा मिनिमम बोल रहा हूं, वैसे 6 घंटे से अगर कम है तो बहुत कम है, तो भी बोलो 6 घंटा भी कम होता है, कैसे 4 घंटा निकल सकता है बताता हूं, 6 बजे आप बैठो शाम को, सिंपल से बोलो 6 से, अगर आप कितने बजे तक चलोगे 6 से 10, 4 घंटा होता है नहीं होता है, होता है, 6 बजे बैठने से पहले थोड़ा सा कुछ खा लो,
ठीक 10 बजे से पहले उठने की बात नहीं कहूंगा। जैसे एक कई लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि मैं थोड़ा पढ़ लिया फिर बहुत ज्यादा काम कर लिया फिर मैं उठ के जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं ठीक है आप पढ़ो अपना एक सब्जेक्ट पूरा करो, कौन कौन सब्जेक्ट करना है क्या क्या करना है, सिर्फ ऐसा ना करो कि सिर्फ मैथ्स में ध्यान दो, सिर्फ केमिस्ट्री में ध्यान दो, सिर्फ फिजिक्स में ध्यान दो, ऐसा नहीं करो। आप टाइम टेबल बनाओ कि इस टाइम पे इतना मेरे को करना है, होमवर्क पूरा करना है सबसे पहले। होमवर्क का मतलब क्या है ये समझना आपको। होमवर्क का मतलब ये नहीं होता है कि टीचर ने आपको क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करके जाएंगे। होमवर्क का मतलब होता है आज आपने जो पढ़ा है जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक के पार्ट्स को हमको अच्छे से कवर करके रख देना है, कंप्लीट करके। ओके तो ये होमवर्क होता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको बता दूं 4 घंटा मैंने मिनिमम बताया, वैसे आपको 6 से 12 बजे तक जागना, 6 से 12 बजे तक की आपकी पढ़ाई स्पेशली होनी चाहिए। बीच बीच में कम से कम 45 मिनट 50 मिनट के अंदर एक बार कोई 5 मिनट के लिए टहलने निकल जाओ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, पानी वानी पी लो, फिर बैठ जाओ। ओके मन को दबा के नहीं रखो, कुंठित करके नहीं रखो, उसको सीखने के भाव से सीखो। मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है यार, मजा नहीं आएगा तो भी मजा आ रहा है यार, तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है तो ये आपको बता दिया मैंने कि ये काम आपको करना है। यदि आप जेई आईआईटी एस्पिरेंट हैं या 11th और 12th में हैं और आगे जाकर के जेई आईआईटी का एग्जाम दिलाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करें, ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने मिलकर के एक बहुत ही बढ़िया ऐप बनाया है, मेलवानो ऐप। ये लगभग 10 बुक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके लिए रखा गया है। तो बहुत सारे बुक्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ बुक्स के साथ आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। जेईई एग्जाम्स के लिए काफ़ी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, और कैसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें ये हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया ऐप है मेलवानो ऐप। मेलवानो ऐप में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स जो सफल हैं उन बच्चों का एक्सपीरियंस इन क्वेश्चंस के साथ छुपा हुआ है, इस ऐप में छुपा हुआ है। उन स्टूडेंट्स की तरह आप भी सक्सेस हो सकते हैं, वह सक्सेस आपके हाथों में भी आ सकता है। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, इनका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। चलते हैं आज के क्लास की तरफ। हम आपके लिए एक छोटी सी बात लेके आ रहे हैं, सारे बच्चे इस बात पे ध्यान दें। वो ये है कि केमिस्ट्री में आप जब आप काम कर रहे होते हो तो बड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है बहुत सारे बच्चों का, सर मुझे परमाणु क्रमांक याद नहीं रहते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तत्वों का परमाणु क्रमांक जरूरत पड़ती है। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके परमाणु क्रमांक आपको याद रहेगा, यदि आप उसे याद करने के ये एक टेक्निक अपनाएंगे, ये एक तरीका अपनाएंगे। इसको केमिस्ट्री में कहा जाता है मैजिक नंबर, आपने सुना होगा मैजिक नंबर, जादुई संख्या। सुना है आपने मैजिक नंबर? नहीं सुना है? कौन सा होता है बताओ, बोलो क्या है मैजिक नंबर, नंबर बोलो बोलो। 2 8 8 18 18 32, ये कहलाता है मैजिक नंबर। 2 8 8 18 18 32, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये साइंस ही है। जो भी हम ट्रिक बोलते हैं वो सारी चीजें वो साइंस ही होता है, बस हम ट्रिक बोलते हैं तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, बस और कुछ नहीं है। समझ रहे हो आप लोग? तो ये है एक ट्रिक, 2 8 8 18 18 32, मुझे लगता है सारे बच्चों को याद हो गया होगा। हो गया याद? अब सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको कैसे याद रहेंगे वो मैं बताता हूं, बस छोटा सा क्लास है, उसके बाद एक टॉपिक लेकर के आगे फिर पढ़ाऊंगा। ठीक है तो देखें, आपने पीरियड टेबल में देखे होंगे कि ये फर्स्ट ग्रुप है। बोलो, अभी पीरियड टेबल नहीं याद करा रहा हूं ना, ये फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1। आप एक तत्व का परमाणु क्रमांक जानते हैं हाइड्रोजन का, ये 1 है। इस मैजिक नंबर को यूज करोगे और नीचे के सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको याद है। चेक कराऊं, देखो क्या करेंगे, हाइड्रोजन का याद है तो लिथियम का बनाने के लिए आपने क्या किया, 2 फिर 8 8 18 18 32, ये नंबर जोड़ दो आप, देखो नीचे का मिल गया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 8 11, मिल रहा है?
बोलो, 11 मैं बाहर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा है तो 11 प्लस 8 19, 18 प्लस ये 37, फिर इसका कितना हो जाएगा 18, 37 कितना 55, और ये 55 प्लस ये 82, 32 कितना हुआ 82, बस कितना हो गया 87, क्या बोला ये 50, हाँ 87, तो कितना हो गया बेटा, देखो ये है मैजिक नंबर का कमाल। तो सबसे पहली बात है आवर्त सारणी याद करना, एक अलग बात है, अभी बात कराऊंगा उसके बारे में, सारे बच्चों को ये बात क्लियर कराऊंगा। फिलहाल क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के हमने क्या कर लिए, एटॉमिक नंबर याद कर लिए, ठीक। अब चलते हो सेकंड ग्रुप कहां पे आएगा, अगर सेकंड ग्रुप की बात करें तो सेकंड ग्रुप यहां से स्टार्ट होता है, पता ना आपको, बोलो। तो सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। तो इनके लिए क्या आपने एक लाइन तो छोड़ दिया है ना भाई यहां से, बोलो। तो कहां से स्टार्ट होगा, 8, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना होगा, 8 का होगा, फिर इसमें 8 का होगा 8 8 18 18 32, तो बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, बोलो ये कितना हो गया। अच्छा देखो, बेरिलियम का कभी भी ऐसे फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर की बात करेंगे ना, तो देखो 2 प्लस 2 कितना हो गया, सॉरी 4। जैसे बेरिलियम को वैसे एक काम कर सकते हो, चाहो तो किसी भी ग्रुप का पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद कर सकते हो, रट सकते हो। वैसे भी उसका सिस्टम होता है, सिस्टम अभी नहीं बता रहा हूं, सिस्टम में जाओगे तो बहुत आसान होता है, पर बहुत सारे बच्चे इसको याद करने में थोड़ी तकलीफ करते हैं, इसलिए अभी कुछ नहीं बोलो, ठीक है। तो कितना वो बोलो तो इसमें, तो अब क्या करोगे, 8 जोड़ो, बात समझ में आ रही मेरी, मैजिक नंबर याद हो गया। मैजिक नंबर से फायदा क्या होगा कि उस ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट का नंबर आपको याद रहेगा, एटॉमिक नंबर याद रहेगा। क्या बता रहा हूं मैं आपको, एटॉमिक नंबर, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। आप बोलोगे सर इसकी जरूरत क्या है, मैं आपको सबसे पहली बात बोल दूं, जरूरत नहीं है तो मैं वो चीज आपको क्यों कराऊं, मुझे क्या पड़ी है आपको चीज कराने की, अब समझ में आई बातें। तो पहले तो ये समझ लो कि जरूरत है तभी मैं काम करा रहा हूं, जब जरूरत आएगी तो पता चल जाएगा कि आप बहुत बेहतर काम करके रखे हो, ठीक है। चलिए, परमाणु क्रमांक, जिसको परमाणु संख्या भी कहते हैं, ठीक है, या चलिए हो गया, इसका कितना होगा जल्दी से बताओ, 12। मैग्नीशियम का कितना होगा 12, इसका कितना होगा 20, समझ में आ गई आपको क्या करना है, फिर 18 जोड़ेंगे 38, फिर कितना हुआ 56, फिर ये कितना हुआ 58, तो बात समझ में आ गया होगा बेटा, 88, थोड़ा सा साफ सुथरा नहीं लिखा गया है। फिर इसके बाद आता है कि बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, फिर से पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, इन दोनों के लिए इस मैजिक नंबर का उपयोग किया जाएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट होता है, ये ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होता है, जिसको 3A भी कहते हैं। इसमें कौन सा एलिमेंट होगा जरा समझेंगे, ये लीजिए, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब इसके एटॉमिक नंबर के लिए मैजिक नंबर कैसे यूज करेंगे, जैसे इसके लिए आपने क्या किया था, पहले वाले के लिए 2 को लेके चला था पूरा, सेकंड वाले इसको लेके चले थे, अब एक काम करो बस इतना ही लेके चलो, अब फिर इसके बाद वाले फिर उतना ही चलेगा, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट में ऐसे ही चलता है पूरा का पूरा 8 18 18 32। तो बताओ इसका क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर वैसे 5 होता है, ये याद रखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा, या फिर सिस्टम है, सिस्टम में हर बार मत जाओ, सिस्टम में बाद में बता दूंगा क्योंकि वो कंफ्यूजन करेगा, तो बोरॉन का कम से कम याद है। तो क्या होगा, बोला था मैंने क्या करना है, 8 18 18 32, तो चलो बोलो क्या होगा, बोरॉन 5 धन 8 कितना होगा 13, ये कितना हो जाएगा 31, ये कितना हो जाएगा 9, कितना 59 फुट, कितना 49, इसका कितना हो जाएगा 181, हो गया। क्या समझ में आया बेटा आपको, बोलो करना क्या है। अब बोलो सर हमको पेरिटेबल याद ही नहीं तो कैसे करेंगे, वो तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि अगर आपको पेरिटेबल याद नहीं है तो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी याद नहीं है,
तो पहला कदम तो पेरिटेबल को याद करने का है। पेरिटेबल याद करने के लिए आप, मैंने वीडियोस दे दिए हैं, आप पेरिटेबल के जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं उसमें से आप पेरिटेबल याद कर लीजिए, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। चलिए ये हो गया, तो एक टॉपिक ये हो गया। तो इस तरह से, हाँ एक और बात बताता हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर को कुछ इस तरह से कहा जाता है कि लाइन से ऐसे लिखना, सीरीज में एक एक जोड़ते हुए, जैसे होता है इसमें स्कैंडियम है ना, टेटेनियम ऐसे होता है, तो इसमें स्कैंडियम का 21 है तो अगला होगा 22, सीधा ऐसे चलता है, सीरीज वाइज चलता है, 1++ चलता है, तो वहां पर तकलीफ नहीं होगा। याद भी ऐसे करना है, इसको ऐसे याद नहीं किया जाती है। अब आप बोल रहे हो सर इसको ऐसे ऐसे याद करना है, अब इसको ऐसे याद करना है, इससे अच्छा कि या तो ऐसे ऐसे याद करो या फिर ऐसे ऐसे याद करो, इसका रूल है। अगर आप ऐसे याद करते हो, क्यों ऐसे याद कराता हूं मैं इसको, क्योंकि ये जब भी पढ़ाई करोगे आप तो इसका ग्रुप वन ग्रुप टू के रूप में पढ़ाई करोगे, क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज जो होते हैं, इनके जो गुण होते हैं वो आपस में मिलते हैं, ये भी आपस में मिलते हैं इनके ग्रुप, जैसे ये बोरॉन फैमिली कहलाएगा सीधा, तो बोरॉन फैमिली इकट्ठे याद होगा। अब यहां पर ऐसा होता है कि इनके जो प्रॉपर्टीज ऐसे नहीं मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं, इनके जो गुण हैं वो कैसे मिलते हैं, इस जगह पे ऐसे मिलते हैं आपस में, इसलिए इसको कैसे याद किया जाता है, आवर्त में याद किया जाता है, आड़ी में याद किया जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा एस और पी ब्लॉक को कैसे याद करेंगे, खड़ी में, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद करेंगे, आड़ी में, कॉलम ग्रुप वाइज, रो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो में याद करना, इसको बोलते पीरियड में याद करना, इस तरह से याद किया जाता है। चलिए तो ये सब आपको करना है, तो मैजिक नंबर बस याद कर लीजिए, क्या है मैजिक नंबर, 2, 8, 8, 18, 18, 32। इस मैजिक नंबर का बहुत बड़ा योगदान है आपकी केमिस्ट्री में नंबर का, एटॉमिक नंबर को याद करने के लिए। तो क्या आप इसको कर सकते हो, बोलो, मैंने क्या बताया, फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या है 2, 8, 8, 18, 18, 32, और सेकंड ग्रुप के लिए क्या है 8, 18, 18, 32, लेकिन इधर वाले जितने भी मिलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबके लिए कितना है 8, 18, 18, 32 सारे एलिमेंट्स के लिए, तो हो जाएगा आपसे। चलिए चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरे चैनल में कितने वीडियोस ओपन हैं और उन सारे वीडियोस को कैसे आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप YouTube ओपन करिए, फिर इसमें सर्च करिए विक्रम हैप केमिस्ट्री, इस प्रकार से मेरा आइकॉन ओपन हो जाता है और नीचे लिखा रहता है विक्रम सिंह। वैसे मेरे चैनल का नाम विक्रम सिंह है, पर आप विक्रम हैप केमिस्ट्री करके सर्च करेंगे, मेरे फोटो को क्लिक करिए जिससे मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। अब देखिए ऊपर होम वीडियो प्लेलिस्ट लिखा है, होम में क्या होगा कि पूरी जो वीडियोज है जो रैंडम में आएगा यानी आगे पीछे आएगा, वीडियो में देखेंगे तो जो वीडियो अभी नए नए अपलोड होते जा रहे हैं वो आता है, और अगर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए प्लेलिस्ट को क्लिक करिए, इससे मेरे सारे प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा और जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं उनके सारे वीडियोस उसमें ओपन हो जाएंगे जो वीडियो अपलोडेड है। कुछ प्लेलिस्ट है जो अभी भी उस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोस जो है अभी अपलोड हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके अपलोड होते जा रहा है और उनको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे चैनल को ओपन करके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। नमस्कार।